अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो व्यूअर्स, आज है संडे और काफ़ी गर्मी है, इतनी गर्मी शरीर में, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मौसम भी काफ़ी जो है वो बारिश जैसा हो गया है, और बारिश अगर आई तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और अभी तो आज भी मैं अम्मी के घर हूँ, कल अम्मी के घर से शहर में जाऊँगी, और कल रात को जाऊँगी। तो यहाँ देखिए मौसम बिल्कुल बारिश जैसा हो रहा है, और काम जो है वो मेरा नहीं हुआ है, बस अब पोछे रह गए और किचन का काम रह गया है। तो भी मैं रोज़ इसी टाइम व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, मेरा ये न्यू व्लॉग है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और आप लोग चाहते हैं मेरे इसी तरीके के अच्छे ब्लॉग आप तक आते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है काफ़ी गर्मी, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी में आप लोगों को बहुत मुश्किल है मेरे लिए शूट करना फेस को कवर करके। और क्या ये रही, अब क्या गर्मी हो रही है, इसके पास है हिम्मत फैन, इससे हम हवा करते रहते हैं, हिम्मत करते रहते हैं ना। तो व्यूअर्स, फिर जो है अभी बनाएंगी चिकन बिरयानी खाने में, आप लोगों के साथ में रेसिपी भी शेयर करूंगी, तो आप लोग प्लीज़ पूरी एंड तक वीडियो वॉच कीजिएगा। और मेरा चैनल मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। हाँ, तो व्यूअर्स, मेरा सारा काम हो चुका है और अभी बज रहे हैं 7:30, और अब हम करेंगे चिकन बिरयानी की तैयारी। और मेरी बहन जी आई है, तो वो मेरे लिए आई है स्पेशल, आपको दिखाती हूँ क्या लाइए। तो वो मेरे लिए ये लाई है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ उसमें क्या है। तो आइए हम टेस्ट करेंगे इसके अंदर क्या है, प्राइस है क्या है, देखते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो इससे हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। वाओ, इसमें है फ्राइज, चीज, आनिया आपको खाना है, आनिया दिखाओ मुझे, तो पैसे दिखाओ, अच्छा है। तो ये जिसे हम करते हैं ट्राई और आपको बताते हैं। तो मैं मुँह में आ रहा है पानी, तो मैं इसे खाकर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, तो अभी खाते हैं इसे, मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। तो व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ अम्मी कर रही है चिकन बिरयानी की तैयारी, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में आज बनेगी और आप लोगों के साथ रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ जो है अम्मी ने 8 किलो प्याज ले ली है, और उससे अम्मी ने ऑयल गर्म हुआ तो फ्राई करने के लिए रख दिए। और यहाँ अम्मी ने ले ली है 1.5 किलो के करीब चिकन, और आलू ले लिए हैं 1 किलो, और 1 किलो, और यहाँ ले लिए 5 से 6 टमाटर बड़े साइज़ के, और आलू को अम्मी ने रख दिया है गड्ढे का रंग डालकर, कलर डालकर बॉईल करने के लिए। और यहाँ पर जो है प्याज फ्राई हो रही है, और चिकन में अम्मी ने सारी चीज़ें तैयारी कर ली है, तो आप लोगों के साथ में रेसिपी। और यहाँ अम्मी ने धनिया और 1 से 1.5 किलो चिकन है जो कि वॉश करके अम्मी ने रखी हुई है, और 1.25 किलो से भी ऊपर चावल हैं, कितने चावल हैं मुझे सही से याद नहीं है। तो ये है 1.5 किलो चिकन, और 1 किलो 1.5 किलो प्याज, 1 किलो प्याज होगी और 1.5 किलो चिकन है। तो प्याज हमारी फ्राई हो चुकी थी, तो अम्मी ने इसमें डाल दी है चिकन, और चिकन को थोड़ा सा भूनने ताकि स्मेल निकल जाए, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगी हरा मसाला और पैकेज। और यहाँ जो है अम्मी आलू अम्मी ने जो है 1 किलो के करीब कट कर लिए थे बड़ी साइज़ में, और यहाँ फूड कलर डालकर अम्मी ने कर दिया है, यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख दिए अलग से। और यहाँ अम्मी ने हरा मसाला जो है वो ले लिया होगा 8 चम्मच अम्मी ने ले ली है अदरक लहसुन और हरी मिर्चें। और यहाँ अम्मी ने पैकेट नहीं इसका यूज़ किया, होममेड मसाला यूज़ किया इसका 1 बड़ा चम्मच, 4 खाने वाले चम्मच जो है अम्मी ने ले लिए बिरयानी के मसाले के। और यहाँ अम्मी ने ले लिए 6 से 7 बड़े साइज़ के टमाटर और हरी मिर्चें, 7-8 हरी मिर्चें और 7 मसाला अम्मी ने प्याज फ्राई कर दी, फिर इसमें चिकन ऐड कर दी, और इसमें हरा मसाला, टमाटर और पैकेट, और सॉरी पैकेट नहीं होममेड मसाला,
तो इसे हमने अच्छी तरीके से भून लिया। और यहाँ हम बना रहे हैं आज फ्रूट चाट सिर्फ मैंगो की। तो यहाँ मेरी बहन जो है वो फ्रूट कट कर दी है, मैंगो सॉरी, और कुछ फ्रूट नहीं ऐड करेंगे। तो कल भाई जो मैंगो लाए थे तो आज इसमें हम लोग क्रीम वगैरह डाल देंगे तो ये कट हो जाएंगे इसके बाद। और यहाँ देखिए व्यूअर्स, मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भून चुका है। जैसे आलू बॉयल हो जाएंगे तो अम्मी इसमें ऐड कर देगी आलू। तो व्यूअर्स, बिरयानी जो है मेरी अम्मी की हाथ की बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। और यहाँ मेरी बहन ने जो है वो आम वगैरह सब कट कर लिए हैं। और यहाँ हम ऐड कर देंगे एक प्याली जो है वो फ्रेश क्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है मैंगो की जब हम बनाते हैं तो फ्रूट चाट या कुछ भी। तो यहाँ पर एक प्याली हमने ऐड कर दी है फ्रेश क्रीम। और उसमें ऐड कर देंगे हम एक कप दूध और इसे अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स। और ऑलरेडी जो इसकी फ्रेश क्रीम है उसमें भी चीनी ऐड हुई हुई है तो हमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आम जो है वो चौसा आम है तो इसमें जो है हमें चीनी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है चौसा आम बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो यहाँ मिक्स करके रख लेंगे। और आज अम्मी के हाथ की बिरयानी मैं 8 दिन के बाद खाती हूँ, बहुत मज़े की होती है और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। बिरयानी ऐसी होती है जैसे हम देख की बिरयानी खा रहे हैं, फूड सेंटर की बिरयानी, जैसे कोई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मशहूर बिरयानी होती है वैसे मेरी अम्मी के हाथ की बिरयानी होती है। यहाँ अम्मी ने रख दिए हैं 1.5 किलो चावल, पानी बॉयल हो चुका था तो अम्मी ने इसमें गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा, काली मिर्च, तेज़पात और नमक ऐड कर दिया है। और अम्मी ने यहाँ चावल डाल दिए थे, सालन देखे बिल्कुल रेडी हो चुका है ज़बरदस्त वाला। तो आपको फिर यहाँ अम्मी लगा रही है बिरयानी की तेल, चावल बॉयल हो चुके हैं तो अम्मी ने यहाँ सारा सालन जो है वो तेल में डाल दिया है। और इसके ऊपर अम्मी ने डाल दिया हरा धनिया और दही में अम्मी ने डाल दिया था 1 कप अम्मी ने ले ली थी छोटी वाली प्याली दही, उसमें अम्मी ने डाल दिया था फूड कलर, उसे मिक्स कर दिया है। और यहाँ अम्मी ने तेल में जो है वो दही भी डाल दी है। और अब अम्मी इसमें डाल देंगी राइस जो कि बॉयल करके रखे हुए हैं। तो बस हमारे यहाँ इसी ज़रा बड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनती है बिरयानी, क्योंकि हमारी फैमिली जो है माशाल्लाह बड़ी है और बच्चे भी हैं। और बिरयानी तो आपको पता है सबकी फेवरेट होती है, मेरी अल्फिया की फेवरेट है, मेरी फेवरेट है। अम्मी ने जो है फूड कलर चावल पे भी वहीं साथ साथ डाल दिया था, जो दही जिसमें अम्मी दही ऐड करती है उसी प्याले को जो है अम्मी उसी में फूड कलर डालकर वही इसमें हल्का फुल्का लगा देती है। और अब इसे रख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बिरयानी जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ खाना लग रहा है हम सबका, क्योंकि सबको लगी हुई है बहुत ज़ोरों की भूख। तो दस्तरखान बिछा दिया है अम्मी के रूम में और सब हम बैठ कर यहाँ खा लेंगे खाना और बिरयानी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को जो है वो इसी तरह प्यार दें और मेरे चैनल को इसी तरह जो है वो आगे बढ़ाएँ। तो अभी बस यहाँ हम सब खा रहे हैं खाना, भाई है, अब्बू है और बच्चे हम सब, क्योंकि सबको लगी है ज़ोरों की भूख, गर्मी में जो है भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी बस यहाँ हम सब बैठ जाएंगे और खाना वाना खा लेंगे। और खाना वाना जैसे ही हमने खा लिया 9 बजे और लाइट चली गई, फिर लाइट आई है 12:30 बजे और बैठ बैठ कर अंधेरे में जो है यहाँ देखे मेरी बहन के बच्चे हैं ये, और यहाँ हानिया भी बैठी हुई है, बच्चों में मस्ती चल रही है। और अबू जो है थोड़े से मेरे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि बच्चे आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बची हमारे सॉरी बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी। और थोड़ी सी जो है मैंने हाँ, तो व्यूअर्स हमारा जो है वो खाना पीना सब कुछ जो है वो फाइनल हो चुका है और अभी बज रहे हैं रात के 12 बजे। और आपको पता है लाइट हमारी अभी कितनी देर के बाद आई है, पूरे 3 घंटे के बाद लाइट आई है। अभी 2 दिन से लाइट जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो गई उसकी सेटिंग। तो अभी फिर जो है आज गई थी हम लोगों ने खाना जैसे ही ख़त्म किया और लाइट चली गई, अभी आई है 3 घंटे के बाद। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे आज जो है मेरी बहन कॉलर का काम करती है तो वो मुझे आज फेशियल भी कर देंगी और मेरे आईब्रोज वगैरह सब बनाएंगी और मुझे वैक्स भी कर देगी हाथों में। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि वो कौन सी क्रीमें हैं जिससे मेरी बहन जो है मुझे फेशियल करेंगी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो उस क्रीमों
होगा तो आप लोग इस वीडियो में बताऊंगी कि वो फैशन का कौन सा सामान है, तो वो मैं आप लोगों को अभी जो अभी लाइट आई तो मेरी बहन जो है वो किचन साफ़ करेगी और मैं कर रही हूँ झाड़ू और फिर करेंगे हम बिस्तर तो और जो है फेशियल करेगी तो मैं आप लोगों को सामान बताऊँगी कि कौन सा सामान से फेशियल करिए। सामान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी करवाया हुआ है और मेरे ज़्यादा बाल ही नहीं है आईब्रो में, तो आईब्रोज भी जो है मैं सेटिंग करवा लूँगी क्योंकि अभी 8 दिन है और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कम से कम जो है वो 1 हफ्ता या 3-4 दिन पहले हमें फेशियल जो भी करवाना है वो करवा लेना चाहिए, वरना स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मेरी, ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने कहा मुझे आई हो तुम तो आज मुझे फेशियल भी कर देना। तो चलिए व्यूअर्स, आज मैं ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ और आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, और मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोगों अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और शेयर भी किया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को देखते हो बस ऐसे ही फिर जो है वो चले जाते हो। आप लोग अगर ब्लॉग अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो और मैं आज ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।